मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे, मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। जद आवे मौत मैनू जद आवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुजुर्गों, नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो नाज़रा। अज तुसीं देख रहे हो जनाब, बहुत शानदार नुस्खा है कि बंद माहवारी नूं खोलण वास्ते, यानी कि मेंसेज नूं खोलण वास्ते बहुत ही आलीशान नुस्खा है। और इस नुस्खे दे विच असीं जिहड़ा ना मजीद इजाफा भी किया है और इनू मजीद पहले नालों बेहतर बनाया। हालांकि रिजल्ट इदा दा पहले ही बड़ा शानदार है, तो इन मजीद असी होर चीज़ा शामिल कीतियां ने और तुहानू दिखाने कि इन असी कि चीज़ शामिल की। सब तो पहले जो तुहानू दिखाने है जनाब, है तुसीं देख रहे हो, यह है मुरमुखी। और मुरमुखी का वजन है जनाब 1.5 तोला। और मुरमुखी के नाल जनाब अगे है अगली आइटम हैगी है हीरा कसीस, हैगी 50 ग्राम। और इस तो अगे जनाब है जंजबील। कोशिश करो चीज़ा जड़िया ने साफ सुथरिया होनी चाहिए ने, बेहतर होनी चाहिए ने। जंजबील है भी 50 ग्राम और दालचीनी है भी 50 ग्राम। और इस तो अगे जनाब है मुसब्बर भी 50 ग्राम। और इस तो अलावा जनाब अगे है दारची सॉरी वड्डी इलायची इलायची कला। देखो जरा असल में असं दाना शामिल करना है, तो इलायची जी मोटी होगी उन्हें दाना भी बेहतर और सेहतमंद निकलेगा। अगर इलायची मरी होगी तो उन्हें दाना भी तो कोई नहीं ना निकलेगा, इस वजह तो फिर जोड़े ना वो चीज़ फायदा नहीं करती। इनका दाना अं शामिल करा। इस तो अगे है तुखमे गजर, और देखो इन काफ़ी गंद है, इन असं साफ करके तुम दिखाने। तो इस तो अगे जनाब तुम देखिए ज़ाफरान तुखम गजर जरा भी 5 तोले, और मुसब्बर जरा 5 तोले। और अगे जरा ज़ाफरान है यह 3 माशे, और फरफरान पाउडर है जड़ी बूटी है और ये 1 तोला है। और इन जी जी चीज़ अं शामिल करा वो तुम दिखाते जावे। सब तो पहले तो जरा ना असी वो तुम दिखाने कि देखो इन देखो काफ़ी ज़्यादा गंद है, और इन असं साफ करके तो तुम तो दिखाने फिर इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह देखो गलदर जरा ना असं साफ कर लिया, देखो इन्ना गंद निकलिया, बिल्कुल साफ बीज हो गया। और इस तरह हर चीज़ में जरा साफ करना बहुत जरूरी है, जिस तरह अं साफ सुथरा रखा और उस तरह ही जरा ना फायदा भी अच्छा होएगा। साफ करना वैसे भी ज़्यादा बेहतर है, सेहत वास्ते बहुत जरूरी है। जी हम इस तरह ही असं नुस्खा जरा ना कुटने बिस्मिल्लाह। सारे चीज़ें इस तरह कुट के पाउडर बनाने, सारा मुकम्मल करके जरा ना इंशा तुम दिखाने फिर, क्योंकि इस तरह तो बहुत टाइम लग जाना। जी काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि मौसम हम ठंडा है ना, तो धुप नहीं होंगी इन्नी, जिंदी वजह तो काफ़ी टाइम लग गया। और इन्हें देखो रगड़ी की मटीरियल साडा निकला बेहतरीन जबरदस्त किस्म का, और इन्ना मलबा फिर भी निकला छिलके वगैरह छुंड दे तुरा पर सारे छिलके जो है ना वो फिर भी काफ़ी निकला है। और बरीक छान इन छाने हाँ इन अगर असी इन्ना कुट लीए कपड़ छान कर लीए तो फिर भी बहुत वधिया है, छाननी भी बिल्कुल बरीक हैगी। इंशाल्लाह इन सारा कंप्लीट करके तुम दिखाने,
जी माशाल्लाह, देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त जनाब, सारा फार्मूला जरा सारा कुट लिया सी बिल्कुल। देखो सफूब बड़ा प्यारा जरा, तो बड़ा बेहतरीन सफूब बन गया। इन डबल छाने ताकि अच्छी तरह बरीक हो जरा ना हो जाए, तो गोरियों की सोहनी बने तो अच्छी बने। और इस तरह ही जरा इनका अगला फार्मूला है वो तुम दिखाने, उनका अगला फार्मूला जनाब आया इन अगली है फार्मूला है गुलकंद। वो हम तेरे सामने गुलकंद तकरीबन 100 ग्राम तो ज़्यादा हैगी है, क्योंकि इनके हथ बे अंदाजन 100 ग्राम तो ज़्यादा मौसम के लिहाज ना भी वध घट हो जाती है। तो इन्हें अगर होर जी चीज़ शामिल करनी होगी वह भी इंशाल्लाह तुम दिखावे, तो वीडियो में देखते रहना। ये बहुत ही ज़बरदस्त शानदार फार्मूला, यानी कि बंद जिन्नी भी बंद माहवारी होंगी मेंसेस की रुकावट होंगी इंशाल्लाह अल्लाह सोने के हुक्म नाल इंदे नाल ठीक हो जाता। अगर कोई दिन ओवर हो जाए तो वह भी इंशाल्लाह इंदे नाल कवर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मसाइल होंगे ने कि दिन के विच नहीं रखना चाह रहे होंगे ने, तो इंदे नाल इंशाल्लाह जिहड़ा ना वह क्लीयर हो जाता है। तो इंशाल्लाह जो सानूं बरीक करके अच्छी तरह इंदा मतलब मुलायम करके बना के तुहानूं दिखाने आ इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखो इन अज दूसरा दिन हो गया सू कटाई कर दू, इस तरह रगड़ाई कर दू, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। और इन असी हम थोड़ा जहा कंध कुना शामिल करा, तकरीबन 1995 का कंध कुना साढ़े को पिया होया है देखो, और एक तोला असी इन शामिल करा। एक तोला सिर्फ इन शामिल करना तकरीबन, जरा कि देखो तकरीबन तोले के करीब है, और असं इन मिक्स करके फिर रगड़ाई करके फिर इन दिखाने तुम। तो थोड़ा जहा हार्ड है ना, मौसम सर्द है इस तरह, तो जल्दी नहीं क्लीयर हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा लगता मिक्स करके तुम दिखाने फिर इंशाल्लाह कंध कुना भी। और देखो कंध कुना इन सारा जरा ना वह सही तरीके मिक्स हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। देखो ए वन हो गया सारा, और हूँ असी जनाब इन शामिल करने जरा असी सारा साडा नुकसा जरा रड़ी होया असी बिस्मिल्लाह मारे असी। देखो सारा नुकसा जरा सारिया जड़ी बूटियां तैयार सन, तो वह हूँ इन शामिल करने बिस्मिल्लाह मारे। और दिखना इन सारा हूँ असं इन मिक्स करा, और सारा मिक्स करके सारा क्लीयर करके तुम दिखाने, क्योंकि इस तरह तो बहुत टाइम लग जाता ना, इंशाल्लाह सारा क्लीयर करके दिखाने। माशाल्लाह देखो ज़बरदस्त हो गई है, तकरीबन गोलियां के काबिल हो गई है, इन दिन हूँ गोलियां बनाई जा सकती हैं। काफ़ी देर तो इनकी कटाई कर रहे हैं, और उसे जिन्ना को क्वाम जहा बनया सी गुलकंद का उनके ही इन्हें कटाई की है, इन्नी कटाई की है कि माशाल्लाह देखो ज़बरदस्त क्वाम जहा ना तैयार हो गया। देखो गोलियां का मुसलसल कटाई की है तो नरम होया, और इनू थोड़ी देर प्यार है तो फिर हार्ड हो जाएगा, ज्यादा असं इनू थोड़ी देर तक इन गोलियां बनानिया शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह देखो यह जरा सा बंद महामारी वाला फार्मूला से वह ज़्यादा क्लीयर हो गया, और ये देखो तेरे सामने बिल्कुल क्लीयर तैयार है। और ये माहवारी जी कि रुकावट हो जाती है, या अगर पेन ना दर्द नाल जरा मैनसेज होंगे ने, या फिर मैनसेज रुक जाते हैं, या खुल के नहीं होंगे, जिन्हें मैनसेज की वजह के नाल जिसम फुल जाता है, उन्होंने वास्ते भी बेहतरीन मुजरब चीज़ है। और इनका फार्मूला असं पहले नालों भी बेहतर ज़बरदस्त कर देता, हालांकि पहले ही अच्छा फार्मूला से हम पहले नालों भी तेज़ कर देता है। इन नाल किसी किस्म की रुकावट हो माहवारी की, यानी कि मैनसेज की, अगर जो कुछ दिन ओवर हो के आते हो या कि पहले आ जाते हो, दोनों मसलों वास्ते बेहतर है क
अगर जो मैनसेज सही ना आते हो यानी कि रुकावट ना आते होने भी ठीक करने वास्ते बहुत अच्छा जबरदस्त फार्मूला है। हालांकि ये असी बड़ी अरसे तो जरा ना इन इस्तेमाल करवा रहे हैं, ऐतकी का मजीद फार्मूला होर बेहतर कर दिता है तो ताकि रिजल्ट होर ज़्यादा अच्छा मिले। अगर जे किसी दे इस तरह की प्रॉब्लम हो इनू अगर के कुछ दिन ओवर हो तो उन्दे वास्ते भी इस्तेमाल किया जाए, कुछ दिन के इस्तेमाल के नाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरा कि वह मरीज शेदयाब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनकी खुराक इन्नी है कि देखो आ दो गोलियां लैनिया ने सिर्फ, मतलब है कि दो गोलियां एक गिलास गर्म दुध का लेना है। गर्म दुध गुड़ जड़ा ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है, गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो वह जनाब सुबह तो शाम खाने तो बाद जरा ने इस्तेमाल की जान, दो गोलियां सुबह दो गोलियां शाम को। ये बहुत ज़बरदस्त आलीशान फार्मूला है। तो ये अगर मेंसेस बिल्कुल ही दाग लगता हो, रुकावट ना हो, सही नहीं खुल के आते हो, तो फिर जिस दिन मेंसेस की डेट शुरू होनी है उस तो पाँच दिन पहले इनू इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो पाँच दिन मेंसेस के दौरान और ज़्यादा तो ज़्यादा तीन माह इस्तेमाल किया जाए तो अलहमदुल्ला इन जरा ना बाकायदगी ठीक हो जाएगा, मेंसेस की रूटीन जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर चे इनू मतलब है कि अगर किसी किस्म की भी रुकावट मेंसेस की हो तो इनू इस्तेमाल इस तरह ही गर्म दुध ना ही इस्तेमाल करना है, गुड़ शामिल करके। अगर गुड़ के नाल नाल एक चम्मच बादाम रोगन का भी शामिल कर लिया जाए तो होर ज़्यादा अच्छा हो जाता, बेहतर हो जाता है। तो ये बहुत शानदार फार्मूला है। तो मैं उम्मीद करना मेरे दोस्तों ये पसंद आया होगा। तो इन तुम वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।